हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में ओपिनियन पोल में ये बात सामने आई है कि सीएम की पहली पसंद बने मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे दूसरे नंबर पर। जी हां, चुनाव आयोग ने देश में दो राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन दोनों ही राज्यों में जनता किसके सिर जीत का सेहरा पहनाएगी, ये बात तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस चुनावी माहौल में जनता किस पार्टी को चुनने की ख्वाहिश रखती है और उनके दिल में क्या है, ये बात जानने के लिए एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर ओपिनियन पोल किया है और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की गई है। ओपिनियन पोल में इस बात को भी जानने की कोशिश की गई है कि हरियाणा की जनता सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा किसे पसंद कर रही है। पिछले 5 साल से हरियाणा की सत्ता संभाल रहे मनोहर लाल खट्टर राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद बनकर सामने आए हैं। ओपिनियन पोल में जब लोगों से ये सवाल किया गया कि उनके राज्य में वे कौन से नेता को मंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे, तो इस सवाल पर 48.1% लोगों ने वर्तमान में राज्य की कमान संभाल रहे मनोहर लाल खट्टर का नाम लिया। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ओपिनियन पोल में महज 12.6% लोगों ने मुख्यमंत्री की पसंद मान। इसके बाद सीएम की पसंद के तौर पर तीसरे नंबर पर जननायक जनका पार्टी यानी जेजेपी के लीडर दुष्यंत चौटाला हैं। इन्हें 11.1% लोगों ने सीएम के तौर पर अपनी पसंद माना है। इसके बाद चौथे नंबर पर कांग्रेस के अशोक तनवर हैं, जिन्हें 4.3% लोगों ने सीएम के तौर पर अपनी पसंद बताया है। 5वें नंबर पर इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि INLD के अभय चौटाला हैं, जिन्हें 1.7% लोग सीएम बनते देखना चाहते हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को 1.3% लोग, INLD एके ओम प्रकाश चौटाला को 1%, कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई को 0.7% लोग, आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जय हिंद को 0.4% और अन्य को 12.8% लोग सीएम के तौर पर बनते देखना चाहते हैं। जबकि 5.9% ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं और कह भी नहीं सकते कि किस कैटेगरी में हैं। इस सर्वे में हरियाणा के 3,793 और महाराष्ट्र के 4,855 लोगों की राय ली गई है। दोनों राज्यों में सर्वे 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में किया गया है। तो दोस्तों, चुनाव से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए आप जियो न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए।